आई डोंट थिंक ये आई कनेक्ट विद जीतू भाई एट ऑल हाँ आई थिंक वो सीन मतलब uh, मुझे लगता है कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है लोगों को क्योंकि थ्रू आउट बन रहा कस परेशान करता yeah. है इन लोगों को एंड फाइनली वो पिटता है पूरा सीन जो क्रिएट किया है okay. वो कहीं ना कहीं हुआ था और उसको उसके वीडियोज़ अवेलेबल थे oh. तो उनसे वो चीज़ें इंस्पायर होकर वो सीन हमने एग्जीक्यूट किया है एंड यू नो कहीं जाके जॉब वॉब कर रहा था तब ये डाला और ये तब पहला हिट हुआ तो लेके थोड़ी सी शर्म आ रही थी बट हाँ बट वो कर लिया हम लोगों ने क्योंकि ये हम लोग कुछ सातवीं आठवीं बार किस कर रहे थे हम दोनों ही लोग किस करते हैं और फिर कोई देखता नहीं है तो वो हम दोनों अकेले ही थे मैंने कॉलेज छोड़ के सीधा मुंबई आ गया एक्टिंग करने एक एक्टर हैं थे मोतीलाल करके उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत उम्दा होती थी पूरा वन गोमिल चाहिए था राघव को बट हो ही रहा था कि इतनी इतनी ठंड थी कि आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि तुम बहुत मतलब एक तो दस मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता है मिनट से ज़्यादा ज़्यादा ये आप खोल के नहीं रख सकते हो। और आज हमारे साथ जो है, वो है जीतू भैया। so, so, पहले तो बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है कोटा फैक्ट्री के लिए सो हाउ इज इट लाइक गुड वाइब्स एंड कैसा रहा है पूरा काफी बढ़िया रहा है अच्छा लग रहा है एप्रिसिएशन मिल रहा है और मतलब uh, फाइनली रिजल्ट आया है हमारे लिए तो और जितनी मेहनत की है उसका फल मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है ये एक्चुअल रिजल्ट है ओके <laughs> तो <laughs> <Okay. laughs> okay. so, एक लाइन है कि व्हाई नॉट जीतू सर बट जीतू भैया एंड देन देर दिस लेडी हु सेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके सर पर वो जीतू भैया ही पूरी कर सकते हैं ना कि जीतू सर तो आपके लाइफ में आपके अपने जीतू सर कौन रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है बहुत सारे लोग हैं आई थिंक थ्रू आउट माई लाइफ मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है एंड बहुत सारे दोस्त हैं जो यू नो थ्रू आउट जिन अगर मैं किसी कस, सिचुएशन में होता हूँ तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे एडवाइस लेता हूँ सजेशंस लेता हूँ तो आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे मेरे जीतू भईया हैं तो कोई एक जैसे आपने अभी कहा था कि आपने सिविल की पढ़ाई की है hmm. तो कोई ऐसा सिचुएशन जो आप याद करना चाहो बताना चाहो हमें कि कोई सिचुएशन रही हो जहाँ पर आपने किसी से एडवाइस uh, ली हो एंड रियली एंडली योर लाइफ नहीं नहीं सिविल में तो मैंने काम ही नहीं किया सो so <laughs> <laughs> मैंने कॉलेज छोड़ के सीधा मुंबई आ गया एक्टिंग करने सो so अच्छा। कोई आई uh, थिंक मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब uh, मेरे लिए मुझे बहुत इंस्पायर करते रहते हैं ओके okay. सो so, आप पॉपुलरली uh, दो रोल्स के लिए जाने जाते हैं विच इज सचिव जी एंड जीतू भैया तो दोनों दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव रोल्स हैं सो अब जब आप आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ तो वुड यू लाइक टू प्ले अ नियरली ग्रे शेडेड कैरेक्टर और एन आउट एंड आउट नेगेटिव रोल मतलब ऐसा कुछ लाइक पर्टिकुलर गोल्स नहीं है कि किस तरह के कैरेक्टर करने हैं आई थिंक बहुत सारे स्टोरीज uh, हमारे आसपास हैं और uh, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमारे आसपास हैं जो हम यू नो रेगुलर लाइफ में देखते रहते हैं तो यू you नो know, अगर उस तरह की कोई कहानी आई जिसमें कैरेक्टर्स हैं और ज, मतलब जिन जो मुझे उस टाइम पे एक्साइट करेगा तो मैं उस तरीके से जाता हूँ ऐसे पर्टिकुलरली मैं सोच के नहीं बैठता कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर करना है या इस तरह का पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है उस तरह से मैं सोचता नहीं हूँ जो जो भी कैरेक्टर जिस टाइम पर मेरे पास आता है मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ इफ़ यू हैव टू रिलेट योर सेल्फ टू बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स विच इज़ जीतू भैया एंड सचिव जी आप सबसे ज़्यादा किससे रिलेट करते हो आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा है और क्यों नहीं आई थिंक दोनों कैरेक्टर अलग हैं मतलब दोनों में कंपेरिजन कुछ नहीं है और uh, मतलब दोनों में से एक चूज करना तो बहुत डिफिकल्ट है अगर कुछ वैसा होता कि हाँ मतलब दो टीचर मैंने अलग अलग यू you नो know, मैं उसमें प्ले किए हैं दो सचिव जी मैंने अलग अलग कहानियों में प्ले किए होते हैं देन आई कुड चूज़ देन आई कुड कंपेयर कि अच्छा ये सचिव जी इस तरह का है ये सचिव जी यू you नो know, इस तरह से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं बट दोनों ही अलग कैरेक्टर हैं तो रिलेट uh, मतलब मुझे लगता है कि सचिव जी रिलेटेबल हैं क्योंकि यू uh, नो you know, वो यंग कैरेक्टर है उसके हैं अपने ड्रीम्स हैं एंड जीतू भैया काफ़ी मेच्योर कैरेक्टर है बहुत अलग कैरेक्टर है फिलोसोफर है फिलासफी ज़्यादा है लाइफ की तो आई डोंट थिंक की आई कनेक्ट विद जीतू भैया एट ऑल मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ uh, सचिव जैसा भी नहीं हूँ बट हाँ ऑफकोर्स जो एम्बिशन वाला पार्ट है कि हर यंग यू नो कोई जो भी यूथ है उन सबके कुछ ना कुछ एम्बिशन होते हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक सचिव जी भी वैसे ही हैं तो थोड़ी बहुत रिलेटिबिलिटी मैं बहुत उनसे कर पाऊँगा रिसेंट टाइम्स में आपने ऐसी कोई सीरीज या फिल्म देखी हो जो आपको बहुत पसंद आई hmm, काफ़ी काफ़ी सारी फिल्में देखी हैं रिसेंटली शो है बेबी रेंडियर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओके okay. वो काफ़ी आई थिंक वो काफ़ी इंटरनल शो है और uh, मतलब काफ़ी यू नो इट शेक्स यू अप काफ़ी खतरनाक शो है so like, आप उस तरह का कुछ करना चाहेंगे? मतलब वो तो हो गया है मतलब अगर <laughs> <laughs> जो चीज़ हो चुकी है जिस तरह से आ चुकी है और मुझे अच्छी लग गई तो समझ लो कि फिर वो यू you नो know, और उससे अच्छी हो नहीं पाएगी या फिर और वो जो भी कैरेक्टर्स मुझे पसंद आ गए हैं उनको यू you नो know, वो इसलिए पसंद आए क्योंकि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हुए हैं बहुत अच्छे से लिखे गए हैं तो उनको दोबारा सोचना कि अरे मैं ऐसा कुछ करूँगा वो उस तरह से नहीं सोचता हूँ मैं मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रेश कैरेक्टर्स करूँ जो यू you नो know, अब तक का एक्सपीरियंस नहीं किया हो हमने और यू you नो know, मेरे लिए कुछ नया हो तो वैसे कैरेक्टर्स में करना चाहता हूँ रादर यू you नो know, कि ये पहले हो चुका है ये इस तरह का है तो इस तरह का मुझे कुछ करना है वैसा बिल्कुल भी एम्बिशंस नहीं है मेरे यू नो एज़ ग्रोइंग आप एक्टर्स आपके कोई इंस्पिरेशन रहे हैं किसी को देखकर आपको आप इंस्पायर हुए हों कि इन्हें देखकर आपको लगा कि एक्टिंग करना चाहिए एंड नाउ दैट यू आर इन द इंडस्ट्री वुड यू हु आर द एक्टर्स दैट यू वुड लव टू वर्क विद काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनको देख के यू you नो know, ऐसा लगता है कि हाँ एक्टिंग करना चाहिए और एक्टिंग में मज़ा आएगा आई थिंक उनमें से uh, मुझे बहुत ज़्यादा जो परफॉर्मेंसेस पसंद हैं वो uh, दिल कुमार साहब की पसंद है इरफान खान साहब की पसंद है एंड अफकोर्स शाहरुख खान की परफार्मेंसेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंड uh, एक एक्टर हैं थे मोतीलाल करके उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत उम्दा होती थी जब भी होती थी तो ये सब एक्टर से जिन्होंने इंस्पायर किया कि हाँ कि एक्टिंग में मज़ा आ सकता है एक्टिंग को यू you नो know, और मतलब बहुत डेफ्थ में एक्सप्लोर किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीन पर दिखाई जा सकती हैं तो वो एक्टर्स हैं बाकी अभी काफ़ी सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं मुझे लगता है कि अभी ये टाइम ऐसा है कि बहुत यू you नो know, जो भी एक्टर्स आ रहे हैं बहुत डिसिप्लिन आ रहे हैं बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं तो मतलब बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ एक कोई नाम एक नाम लेना <laughs> एक <laughs> एक होता है ना प्रायोरिटी होती है एक आई वुड लव टू वर्क विद तबू तबू मैम नाइस वी वुड लव टू सी दैट पंचायत का जो फिनाले एपिसोड था उसमें एक अलग ही रूप देखने मिला था आपका जहाँ पर आप मार रहे हो इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड पीपल हैव लव्ड दैट सो है इच्छा है लोगों को देखने की हाँ आई थिंक वो सीन मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सैटिस्फैक्ट्री लग रहा है लोगों को क्योंकि थ्रू आउट बनराकस परेशान करता hmm. है इन लोगों को एंड फाइनली वो पिटता है वो किसी रियल सीन से इंस्पायर्ड है मतलब जो पूरा सीन जो क्रिएट किया है okay. वो कहीं ना कहीं हुआ था और उसको उसके वीडियोस अवेलेबल थे okay. तो उनसे वो चीज़ें इंस्पायर होकर वो सीन हमने एग्जीक्यूट किया एंड वी आर लाइक मतलब वी आर यू नो ग्लैड कि वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाया और यू नो लोगों हाँ, को उतना पसंद आया हाँ लोगों को मजा आया एग्जैक्टली तो आई थिंक वो चीज़ काफ़ी उसमें लोगों को सेटिसफेक्शन दे रही है कि बनराकस को पहली बार पढ़िए तो आई थिंक एक ही दिन का आई थिंक एक ही रात का शूट था उसके लिए बहुत सारी रिहर्सल्स की थी हम लोगों ने पूरा कोरियोग्राफ किया था और कोरियोग्राफ करने के बाद हम लोग उसको ब्रेक किया कि मतलब जब वो कोरियोग्राफ लगना नहीं चाहिए मतलब ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हमने डिसाइड कर ली थी कि यहाँ से ये मूवमेंट होगी पहले इसको पढ़ेगी फिर उसको पढ़ेगी वो सारा चीज़ डिसाइड करके वी ट्राई टू मेक इट मोर केटिक एंड हमने ट्राई किया कि केस कि भी लगे और यू you नो know, वो कैप्चर ढंग से हो जाए क्योंकि कई बार केस होता है तो कैप्चर करने में दिक्कत होती है तो पहले वो कोरियोग्राफ किया गया ठीक से कि क्या क्या हमें कैप्चर करना है फिर उसको हमने ब्रेक करके पूरा बनाया तो काफ़ी मज़ा आया उस रात शूट करने में मज़ा आया देखने <laughs> में थैंक यू सो अली फजल ने कहीं कहा था कि सचिव जी यहाँ दिखेंगे मिर्जापुर में सो इज़ होल थिंग मुझे पता नहीं क्या बोला है और मतलब काफ़ी ट्रेंड हो रहा था मैं देख नहीं पाया उन्होंने एग्जैक्टली exactly क्या बोला है तो मुझे पता नहीं कि किस तरह के हिंट दिए आई थिंक उन्होंने शायद उसलिए बोला होगा कि क्योंकि आई uh, थिंक थोड़ी मारपीट दिखाई गई है पंचायत में इस बार और इलेक्शन वाली बातें हुई hmm. हैं तो वहाँ से कुछ वो हिंट कर रहे होंगे बट मैंने सुना नहीं है एग्जैक्टली exactly वो क्या है ओके मोस्टली इट वाज अबाउट क्रॉस प्रमोशन ठीक है सो so, अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे hmm. आप उसकी बैक स्टोरी हमें दोगे Hmm. You can form any habit in 21 days. Hmm. I think हम लोग कोटा में ठंड में शूट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी कोल्ड वेव चल रही थी उस टाइम पे और मुझे याद है एकदम सुबह सुबह शूट हो रहा था hmm. तो जनरली uh, ये हो रहा था कि क्योंकि ये लंबा सीन था और एक ही वन गो में शूट करना था हमको That's ये पूरा सीन मैं वॉक करता हूँ और uh, वॉक करते करते वो पूरा वन गो में चाहिए था रागव को बट हो ही रहा था कि इतनी इतनी ठंड थी कि आवाज़ नहीं निकल रही थी मतलब या तो आवाज़ नहीं निकल रही मतलब वो ब्रेक हो जा रहा था बार बार तो आई थिंक जब थोड़ा सा टाइम लगा वार्म अप होने के बाद आई थिंक एक दो घंटे के बाद ये पूरा शूट किया और वो आई थिंक बहुत एक दो टेक्स में निकल गया था एंड uh, हाँ और इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लिया था बट हाँ उसके बाद ये चीज़ें हो गई तो वो, वो ही मुझे याद आ रहा है इसका तो सेकेंड इज दिस हाँ hmm. ah, यार ये शूट कर रहे थे हमने यार इसका ऐसा <laughs> <laughs> कुछ आई थिंक छोटा सा बिट था ये नवीन को कॉल करते हैं और वहाँ से शायद कुछ यू नो पैसों वैसों की बात करते हैं कि मैं पैसे लौटा दूंगा या जो भी है तो आई थिंक वो वाला सीन लग रहा ही है uh -huh. हाँ मतलब इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है हम लोगों ने ऐसे ही शूट करते करते लास्ट में जो छोटी बहुत छोटा सा बिट होता है फ़ोन कॉल होता है और ये लिटरली हम लोगों ने कुछ थर्टी फोर्टी मिनट्स में पूरा शूट कर लिया होगा क्योंकि एक छोटा सा बिट था okay. <laughs> <laughs> hmm. ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए एक तो, एक तो ये सीन बड़ा अच्छा था जो बसो ने लिखा था और ये मतलब फ़िल्म का जब फिल्म सुनते हैं तो यहाँ से पूरी चीज़ें इस्टेब्लिश होती है और इस सीन में पढ़ के बहुत हंसी आती है या फिर सुन के बहुत हंसी आ, रह, आ रही थी एंड uh, सीन शूट करना टफ था क्योंकि पूरे पूरे टाइम आँख पे यू you नो know, वो क्लिप लगी रहेगी और वो खुला रहेगा तो हमेशा था कि इसके ज़्यादा टेक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि uh, डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि तुम बहुत मतलब एक तो दस मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता है दस मिनट से ज़्यादा ये आप आँख खोल के नहीं रख सकते हो आपको दस मिनट के बाद ही निकालना पड़ेगा तो पूरी कोशिश ये थी कि सीन थोड़ा क्रिस्प रखा जाए और जो शूट है वो एक बार में हो जाए तो सारे एंगल्स पहले मेरे जितने भी थे एंगल्स वो लगा दिए गए थे और दस दस मिनट के हमने तीन टेक किए आई थिंक दो पहले टेक में ही आई थिंक समीर ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म तो पहले टेक में समीर काफ़ी हैप्पी थे बट uh, फिर हाँ आई थिंक दो टेक्स और उन्होंने ले लिए uh, वो सिर्फ आई थिंक दिखावा था जो फर्स्ट टेक में उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है बट दिस साउंड्स सो डिफिकल्ट इतना खतरनाक लग रहा है बट था हाँ। नहीं एक्चुअली डॉक्टर्स वगैरह थे वहाँ पे तो वो एक दवाई डालते हैं वो लोग जो जो जनरली डालते हैं ताकि जब वो आँख चेक करते हैं तो तो आई थिंक वैसे ख़तरनाक दिख रहा है बट आई थिंक डॉक्टर्स वगैरह थे वहाँ पे तो ठीक से हो गया है हाँ क्योंकि हम अगर आ, कुछ सेकंड के लिए भी खुली रखे तो हाँ, फिर आँखों से पानी आने लगता correct, है हाँ तो उसके लिए एक दवाई डाली जाती है पहले ताकि वो ऐसा वो बेसिकली इसलिए होता है कि आँख ड्राई ना हो जाए तो आँख मतलब नम भी रहे और वो टेरी भी ना हो तो उस तरीके से शूट किया Uh, हालांकि काफ़ी uh, बहुत सोच समझ के किया कि ये क्योंकि करना बहुत जरूरी था ऐसे होगा तो ही इम्पैक्ट तो आएगा, आएगा. इम्पैक्ट आएगा तो आई थिंक शुरू में तो डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा तुम नहीं खींच सकते हो मैक्सिमम टेन मिनट तक ही तो ये कर सकते हो उससे ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो सकती है बट आई थिंक ये भी ये भी बहुत जल्दी हम लोगों ने किया है लाइक like, पूरा बहुत लंबा सीन था पूरा का पूरा पूरा चंक हम लोगों ने यू नो दस दस मिनट के हमने लिटरली फोर्टी मिनट्स के अंदर ही पूरा किया है हाँ सो ये शुभ मंगल ज़्यादा सावधान का किसिंग सीन है आई थिंक इससे पहले जो आई थिंक इस ये थर्ड या से थर्ड टाइम हम लोग ये थर्ड टाइम आता है फिल्म में किस करना और ये हमारा मतलब उससे पहले दो किसिंग सीन हम लोग ये बनारस में थे तब कर चुके थे ये मुंबई का शूट है तो दो जो हम लोगों ने वहाँ पे किस्त किए थे वहाँ पे हम लोग यू नो वहाँ पे पूरा कास्ट एंड क्रू नहीं था हम लोगों ने यू नो हम दोनों ही लोग किस करते हैं और फिर कोई देखता नहीं है तो वो हम दोनों अकेले ही थे बट ये जब सीन शूट हो रहा था तो पूरा क्रू एंड कास्ट वहाँ पे थे मतलब आ, कास्ट एंड एक्सटेंडेड कास्ट पूरा ही मतलब ये शादी के टाइम का सीन था तो सबके सामने ये किसिंग सीन आता है तो हाँ मतलब उस, उसको लेके थोड़ी सी शर्म आ रही थी बट हाँ बट वो कर लिया हम लोगों ने क्योंकि ये हम लोग कुछ सातवीं आठवीं बार किस कर रहे थे तो हो गया बट uh, कोई नहीं था आगे no, करने से पहले नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल दिस इज अ मुन्ना जज्बाती ये आई थिंक मेरा दूसरा वीडियो था जो मैंने मुंबई आके शूट किया और uh, ये रिलीज नहीं किया था हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा एक्चुअली वो देखोगे uh, अगर फर्स्ट टाइम जिनको uh, मतलब हमें भी स्केचेस का आइडिया नहीं था कि स्केचेस होते क्या हैं hmm. या किस तरीके से तो वो एक स्केच बनाने की कोशिश की थी हम लोगों ने और वो उतना हमको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था तो ये डाला नहीं शुरू में फिर मैं यू you नो know, uh, कहीं जाके जॉब वॉब कर रहा था तब ये डाला और ये तब पहला हिट हुआ और लोग मुझे इस कैरेक्टर के नाम से पहचानने लगे okay. और काफ़ी टाइम तक ये इसी कैरेक्टर से बुलाते थे मुझे सो so, मुन्ना जज्बाती नाम था एंड लाइक like, दो तीन साल तक लोगों ने मुन्ने मुझे मुन्ना जज्बाती जस्ट लाइक